हेलो दोस्तों, आदिवासी दिवस पर आपने संचालन करना है और बहुत ही खूबसूरत संचालन करना है, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। तो सबसे पहले आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, जिस तरह से पहले मंच संचालक की एंट्री होगी, फिर अतिथि आगमन होगा, फिर अतिथि द्वारा आदिवासी ध्वज फहराना, दीप प्रज्वलन, आदिवासी महापुरुषों को पुष्प अर्पण, आदिवासी धार्मिक गीत होगा, स्वागत संबोधन, फिर आपकी सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी और उसके बाद ये प्रस्तुतियां, और फिर इस तरह से कार्यक्रम जो है समापन की ओर जाएगा। तो ये पूरी स्क्रिप्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करनी है मैं इस स्क्रिप्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। आपकी एंट्री जबरदस्त होनी चाहिए। शुरुआत में बोलिए, वक्त का किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा को करके नमन, सर झुका के सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन करता हूँ। आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक अवसर लेकर आया है। यह अवसर है हमारे समाज को जागरूक करने का, यह अवसर है अपने हितों को पाने का, यह अवसर है अपनी संस्कृति को गले लगाने का, ये अवसर है हमारी आपसी एकता और अखंडता का, ये अवसर है हमारे महापुरुषों को याद करने का, ये अवसर है शिक्षा और जागरूकता का। एक बार जोरदार तालियों से आज के इस दिन का स्वागत करेंगे। सबके हौसले और हिम्मत से आज का दिन खास होने वाला है। खुद की खुद से मुलाकात हो जाए, काश जीवन में कुछ ऐसी बात हो जाए, दिलों पर दस्तक देने वाली बातें सुनाऊंगा दोस्तों, अगर आपकी तालियों की बरसात हो जाए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे समाज के गणमान्य लोगों का स्वागत करेंगे। आदर सत्कार सम्मान खुशियों की कुंजी है, रिश्ते एक दिन की नहीं पूरे जीवन की पूंजी है। यानी मैं आपको ये पार्ट वो बता रहा हूँ जो अतिथियों के आने से पूर्व आपने बोलना है। अगर आपने अतिथियों के आने से पहले 20-25 मिनट इन बातों पे बोल लिया जो मैंने लिखी हुई है, या आपने आप बोल लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, किसी मकसद में कामयाब होने के लिए आपसी भाईचारे और सद्भावना की ज़रूरत होती है। अगर हम भावनाओं से एक हो जाएं तो समाज के उत्थान के लिए किसी भी कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे युवा साथी और आदरणीय बुजुर्गों और बच्चों का अभिवादन करता हूं। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ अपने हितों को लेकर भी बातचीत होगी। जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय का समारोह स्थल पर आगमन होगा, कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। प्रकृति की रक्षा करने वाला धरती पर जीव अविनाशी है, शुक्र मनाता है हर पल सृष्टि का, ये भारत का आदिवासी है। युगों युगों से आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक रहा है। जैसे देश की रक्षा करने के लिए सेना जरूरी है, उसी तरह प्रकृति की रक्षा के लिए आदिवासी समाज का नाम आता है। मगर एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कहने में हमें मूल निवासी कहा जाता है, मगर वर्षों से आज तक हमारे सम्मान में संतुष्टिजनक वृद्धि नहीं हो पाई है। देश के कुछ हिस्सों की हालत विकास के युग में भी इतनी बुरी है, आदिवासी जीवन को देख लगता है भारत की आज़ादी अभी अधूरी है। आज देश में हमारी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है, फिर भी सरकार से हमें समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण हमारी अनपढ़ता भी है, इसलिए हम लोग आज ये संकल्प लेकर उठेंगे कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, बच्चों को शिक्षित करें, ताकि हमें उपेक्षा, शोषण और बाल मजदूरी से मुक्ति मिल सके। इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर भी मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो इस तरह से दोस्तों, ये आदिवासी समाज के बारे में बहुत सी बातें आप बोलते रहिए जब तक अतिथि आते हैं। मैंने ये स्क्रिप्ट पूरी लिखी है। अतिथि आगमन, फिर धर्म ध्वजा फहराई जाती है और इस तरह से आपको कार्यक्रम का समापन करना है। बने रहिए इस चैनल पर और सीखते रहिए। धन्यवाद।